दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे स्प्राउटेड सैलेड। इसको बनाने की विधि बेहद ही आसान है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए हमें चाहिए स्प्राउट्स, अंकुरित दालें, ये भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती हैं, नहीं तो आप इसको घर में भी अंकुरित कर सकते हैं। जैसे आपने रात को दाल भिगो दी, सुबह भीगी हुई दाल का पानी निकाल कर साइड पे निकाल दें। उसके बाद इसको ढककर अपनी किचन में ही रखे रहने दें। शाम तक इसमें अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे। हमारे को चाहिए पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च। जो हमारी ये तीन प्रकार की शिमला मिर्च हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फाइबर पाया जाता है। टमाटर, कटा खीरा और कटा बारीक प्याज। इसको बनाने की विधि बेहद ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए आधी कटोरी जितने स्प्राउट्स, पीली शिमला मिर्च बारीक कटी, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च। टमाटर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। खीरा और कटा बारीक प्याज, ये भी आपकी पसंद पर निर्भर है। अगर आप प्याज कच्चा खाना पसंद करते हैं तो आप डालिए, नहीं तो बेशक ना डालिए। इसके अंदर हम डालेंगे काला नमक स्वादानुसार, चाट मसाला। जिन लोगों को तीखा खाना पसंद है वो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और स्वादानुसार नींबू। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए दोस्तों, स्प्राउटेड सैलेड बनाने इतनी आसान है, सेहत में भरपूर और बच्चों को बहुत स्वाद लगेगी, क्योंकि इसमें हमने चाट मसाला डाला है जो कि बच्चे वैसे ही खुश होकर खाते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो स्वाद बढ़ा देती है। ये देखिए दोस्तों, ये स्प्राउटेड सैलेड खाने के लिए तैयार है। धन्यवाद।